art cannot start a revolution, but art can aid it. It's time that we use our art to aid resistance. भाइयो बहनो, ये जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मेरे कपड़ों को देख के तुम क्या मेरे मजहब की पहचान करोगे? कफन इनकलाब का पहन रहा है मेरा देश, तुम कैसे भगवे का ऐलान करोगे? ये दिल्ली पुलिस ने किया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। कागज के टुकड़ों के बूते पर तुम क्या मेरे देश में रहने के हक पर फरमान करोगे? हम फूल देते जाएंगे, सत्याग्रह वापस लाएंगे, एक साथ यूं हाथ पकड़कर हम आगे बढ़ते जाएंगे, आजादी के नारे लगाएंगे। कफन इनकलाब का पहन रहा है मेरा देश, तुम कैसे भगवे का ऐलान करोगे? तुम जातिवाद पे अड़े रहो, हम एकता पर अड़ जाएंगे। तुम गोडसे के गुण गाओ, हम गांधी का पाठ पढ़ाएंगे। तुम मनुस्मृति की बात करो, हम टगोर और फैज सुनाएंगे। तुम नफरत भरने की कोशिश तो करो, हम प्यार की नज़में गाएंगे। तुम एक रंग की बात करो, हम तिरंगे पे टट जाएंगे। कफन आज़ादी का पहन रहा है मेरा देश, तुम कैसे भगवे का ऐलान करोगे? लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब जुल्म व सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। देश कागज़ पर बना नक्शा नहीं होता कि उसके एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से वैसे ही बने रहें। माना कि नादान हैं हम, आपको दुनिया भर के फनाते हैं, कि कोशिश थोड़ी सी हमने समझने की तो आप तो जालिम सनम नजर आते हैं। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना जान, ना चुनाव। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जबा अब तक तेरी है, तेरी सुतवा जिस्म तेरा, बोल के जा अब तक तेरी है। यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना।